मुंबई के बारे में कहा जाता है कि सपनों की ये नगरी कभी रुकती नहीं, कभी थकती नहीं। हर पल दौड़ने वाले शहर में लोगों को महफूज रखना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। मुंबई पुलिस इसके लिए सदैव तैनात भी रहती है। आज हम आपको मुंबई के कुछ ऐसे पुलिसकर्मियों से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मौत के बाद भी दूसरों को जिंदगी देने का फैसला किया। खाकी वर्दी की मौजूदगी आम इंसान को महफूज होने की तसल्ली देती है। मुसीबत परेशानी के वक्त पुलिस वाले को देखकर सुरक्षा का एहसास होता है। इसी एहसास को जिंदा रखने के लिए मुंबई के पुलिस वालों ने जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी साथ निभाने की प्रतिज्ञा ली है। इस प्रतिज्ञा के तहत मुंबई के तकरीबन 200 पुलिस कर्मियों ने अपने अंगदान करने की मंजूरी लिखित तौर पर दी है। विश्वास है कि एक बड़ा ही अच्छा ही उपक्रम है और हमारे इतर लोग जोन में भी लोग इससे प्रभावित हुए हैं और खुद होकर इनिशिएटिव लेकर वो इसको आगे बढ़ाएंगे। मुंबई पुलिस के अंगदान की इस मुहिम का श्रेय जाता है मुंबई पुलिस अधिकारी DCP विनय राठौड़ को। राठौड़ ने ऑर्गन डोनर्स की कमी की वजह से होने वाली मौतों को देखते हुए ऑर्गन डोनेशन की अहमियत को अपने साथियों को समझाया और उन्हें अंगदान करने के लिए प्रेरित किया। वैसे तो ये शुरुआत है, पहले मैंने मालवणी भी किया, अब यहाँ घाटकोपर आया और अलग अलग पुलिस स्टेशन में जरूर जाऊंगा, जैसे समय होगा और जैसे हो पाएगा। तो अंगदान के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था मोहन फाउंडेशन के आंकड़ों के मुताबिक देश में हर रोज 10,000 मरीजों को ट्रांसप्लांट की दरकार होती है। इनमें 50% ऐसे होते हैं जिन्हें परिवार में कोई मैचिंग डोनर यानी अंगदान करने वाला नहीं मिल पाता। हर साल 5 लाख लोगों की मौत इसीलिए हो जाती है क्योंकि उन्हें वक्त रहते अंगदान करने वाला कोई नहीं मिल पाता। मुंबई पुलिस के अंगदान करने के सराहनीय कदम से कई कीमती जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। ये 200 पुलिस कर्मी अब इस मुहिम में पुलिस फोर्स के और ज्यादा जवानों को शामिल करने में जुटे हैं। आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि आखिर भारत में अंगदान को लेकर बड़े अभियान की जरूरत क्यों है। भारत में हर साल 2.5 लाख लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, जबकि 5,000 लोगों का ही गुर्दा प्रतिरोपण हो पाता है। सालाना 80,000 लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, पर 1,000 लोगों को ही लीवर ट्रांसप्लांट की सुविधा मिल पाती है। 50,000 हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत के मद्देनजर सिर्फ 1 दर्जन लोगों को ही दिल प्रत्यारोपित करने की सुविधा मिलती है। वहीं देश में 1 लाख कॉर्निया ट्रांसप्लांट की जरूरत है। देश में जहां ऑर्गन ट्रांसप्लांट की मांग का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वहीं अंगदान करने की रफ्तार बेहद सुस्त है। 21 दिसंबर 2015 तक देश में सिर्फ 662 लोगों ने अंगदान करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। ये शुभ समाचार है कि अंगदान करने वालों का कारवा कम रफ्तार से ही सही सारे बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ रहा है। देश में देहदान और अंगदान को और प्रोत्साहित करने की जरूरत है। नित्यानंद शर्मा के साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई।